नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ आंचल तिवारी। आप देख रहे हैं चंद्रमस। वक्त हो गया है देश और दुनिया के कुछ खास खबरों का। भाजपा मुंबई महानगर पालिका का चुनाव मनसे के साथ मिलकर लड़ सकती है, इस बात का संकेत खुद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने दिया है। हालांकि पाटिल ने गठजोड़ को लेकर एक शर्त जरूर रखी है। उन्होंने कहा है कि गठबंधन के लिए मनसे को प्रांतियों को लेकर अपनी भूमिका बदलनी होगी। विधानसभा चुनाव में मिली करारी शिकस्त और राज्य में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में महाविकास अघाड़ी की सरकार बनने के बाद से महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के रूप में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। मुंबई मनपा सहित अन्य स्थानीय निकायों के चुनाव में महाविकास अघाड़ी को रोकने के लिए भाजपा को मनसे का साथ मिलने की चर्चा एक बार फिर शुरू हो चुकी है। इस संदर्भ में वे अभी तक दोनों दलों ने अपनी भूमिका स्पष्ट नहीं की है, लेकिन भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने कहा है कि यदि राज ठाकरे और मनसे प्रांतियों को लेकर अपनी भूमिका में बदलाव करती है तो मनपा चुनाव में गठजोड़ जरूर किया जा सकता है। पार्टी ने कहा है कि राज ठाकरे हो या मनसे, उनके प्रति सम्मान है। हमने एक वाक्य हमेशा कहा है कि जब तक मनसे प्रांतियों को लेकर अपनी भूमिका नहीं बदलती है तब तक किसी तरह का गठबंधन नहीं हो सकता है। हमने कभी नहीं कहा कि स्थानीय लोगों को नौकरी मत दो। स्थानीय लोगों को 80% नौकरी देने का कानून है, इसीलिए विवाद का कोई कारण ही नहीं। चंद्रकांत पाटिल ने मनसे सवाल किया है कि आपका विरोध क्या है, प्रांतियों के रिक्शा टैक्सी चलाने का या व्यवसाय करने का, लेकिन देश के प्रत्येक राज्य में मराठी भाषी है। जबलपुर इंदौर जैसे शहरों में मराठी भाषियों की संख्या लाखों में है। देश एक है, जीविका उपार्जन के लिए आने वालों का विरोध करना, उनके साथ संघर्ष करना हमें मान्य नहीं है। पर प्रांतियों को लेकर मनसे की भूमिका में बदलाव देखने को मिल रहा है। पिछले दिनों मनसे नेता और पूर्व विधायक नितिन सरदेसाई ने कहा था कि मनसे के मराठी मुद्दे का अर्थ बहुत ही व्यापक है, महाराष्ट्र के भूमि पुत्रों को उनका अधिकार दिलाना प्रमुख उद्देश्य है। सरदेसाई ने यह भी कहा था कि यदि मनसे के मराठी मुद्दे को लेकर किसी को किसी तरह की गलतफहमी है तो उस पर चर्चा हो सकती है। गैर मराठी लोगों से मारपीट अथवा अन्य मामले में मनसे का नाम लिया जाता है। मराठी लोगों का विरोध हमारी पार्टी करती है, यह बिल्कुल गलत है। महाराष्ट्र के भूमि पुत्रों को उनका अधिकार दिलाना प्रमुख उद्देश्य है। सरदेसाई ने यह भी कहा था कि यदि मनसे के मराठी मुद्दे को लेकर किसी को किसी तरह की गलतफहमी है तो उस पर भी चर्चा हो सकती है। गैर मराठी लोगों से मारपीट अथवा अन्य मामले में मनसे का नाम लिया जाता है और मराठी लोगों का विरोध हमारी पार्टी करती है, यह बिल्कुल गलत है। महाराष्ट्र में रहने वाले गैर मराठी लोग यदि मराठी व्यक्ति मराठी भाषा और मराठी संस्कृति का सम्मान करेंगे तो हम उनका विरोध नहीं करेंगे। वे अनादर करते हैं, इसीलिए हम उनका विरोध करते हैं। लेकिन देखना काफी दिलचस्प होगा क्या आखिरकार मनसे और बीजेपी एक साथ मनपा का चुनाव लड़ेगी या नहीं। तो यदि हमारी आज की खास खबर इसी तरह के देश और दुनिया की खास खबरों के लिए जुड़े रहिए चंद्रमस के साथ। तब तक ले नमस्कार।